इमरान खान की रहायश गाह जमान पार्क के बाहर रात गए कारकुन फिर मुश्तैल, पुलिस की गाड़ी पर धावा, तोड़ फोड़ के बाद नहर में फेंक दी। पुलिस की गाड़ी केनाल रोड से गुजर रही थी, जमान पार्क के सामने पहुंचने पर डंडा बरदार कारकुनों ने रोक कर धावा बोल दिया। मुश्तैल कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी मुकम्मल तबाह करने के बाद नहर में फेंक दी। पंजाब पुलिस का कहना है मुलजमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना फौजदारी केस, इमरान खान को फिर रिलीफ मिल गया, फर्दे जुर्म टल गई, वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अदालत का इमरान खान को 30 मार्च को पेश होने का हुक्म, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद हंगामा आराई। इमरान खान गाड़ी से निकलकर कमरा अदालत में हाजिर ना हो सके, इमरान खान को गाड़ी में बैठे ही हाजिरी लगाने की इजाजत मिली। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहले नो गो एरिया बना, फिर मैदान जंग। इस्लामाबाद में इमरान खान की पेशी पर घुमसान का रन, पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। मुश्तैल कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत 25 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगाई गई, पथराव से 9 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। लाहौर पुलिस का जमान पार्क में ऑपरेशन, इमरान खान के बाहर घर के बाहर लगे कैंप और आहिनी बैरियर उखाड़ दिए गए। पुलिस गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुई, अंदर मौजूद कारकुनों पर लाठी चार्ज, दर्जनों गिरफ्तार। कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई, क्रेन की मदद से कैंप और बैरियर हटा दिए। इमरान खान ने जमान पार्क में पुलिस ऑपरेशन तौहीन अदालत करार दे दिया। घर पर धावा और कारकुनों पर तशद्दुद अदलिया के सामने उठाने का ऐलान, कहा किस कानून के तहत गेट तोड़ा गया, दरख्त उखाड़े गए, बदतर बात यह है सब कुछ तब किया गया जब मैं पेशी पर गया हुआ था, जब धावा बोला गया तो बुशरा बीबी घर पर अकेली थी, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान आज सुपहर कारकुनों से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। इमरान नियाजी की हरकतों से इनका फासिस्ट होना जाहिर हो गया, इमरान नियाजी आरएसएस की पैरवी कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार, कहा पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले, अदलिया को धमकाना अस्करियत पसंद होने का सबूत है। मरियम नवाज की भी तनकीद, कहा जमान पाक में अकेली खातून है तो पेट्रोल बम कौन बरसा रहा है, झूठ बोलने से पहले सोचते नहीं। सदर मुमलिकत की सियासतदानों से मिल बैठने की अपील, आरिफ अलवी ने कहा सियासतदान मिल बैठकर मुल्क को बहरान से निकालें, खुदा का शुक्र है एक और दिन बगैर किसी सानहे के गुजर गया, ऐसी सूरत हाल में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, दरगुजर अमन और सलामती को लब्बैक कहें। एमक्यूएम अब एहतजाज नहीं, मजाहमत करेगी, 23 मार्च को पाकिस्तान बनाया था, 18 मार्च को मुल्क बचाने का दिन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतहदा के यौमे तासीस पर जलसे से खिताब, कहा कौम को गुलामी से बचाने के लिए नई जदोजहद का आगाज करना है, 75 साल में भी हुक्मरानों ने अपनी रविश नहीं बदली। और PSL 8 का ताज कलंदर्स के सर सज गया, मुसलसल दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम करने वाली पहली टीम बन गई। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को एक स्कोर से शिकस्त, 201 रन्स के ताकुब में 199 रन्स बना सकी। लाहौर कलंदर्स ट्रॉफी के साथ 12 करोड़ की हकदार, मुल्तान सुल्तान्स भी 4 करोड़ 80 लाख रुपए ले गई।